स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय 12th स्टेट्स का हमारा चैप्टर चला चैप्टर नंबर 1। उसमें हमने कल क्या किया था 1.1 डिस्कस कर ली थी। आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 1.2 के बारे में सीखेंगे। उसमें हमको क्या सीखना है, उसमें हमको सीखना कई बार सम्स में हमको क्या देता है कि इंडेक्स नंबर दे देता है। पारंपरिक आधार पद्धति से उसने इंडेक्स नंबर दे दिया, क्या बोलेगा अचल आधार की पद्धति से इसको ज्ञात करो, या कभी क्या करेगा ये अचल आधारित पद्धति से हमको इंडेक्स दे देगा, बोलेगा पारंपरिक आधार पद्धति से इंडेक्स ज्ञात करो। तो इसका सूत्र क्या होता है, जब अचल आधार के सूचकांक अचल आधार का सूचकांक दे देगा उस पर क्या करेगा पारंपरिक आधार के सूचकांक में परिवर्तन करेगा। उसका दूसरा होता है चालू वर्ष का अचल आधार द्वारा प्राप्त सूचना बटे गत वर्ष के अचल आधार द्वारा प्राप्त सूचना। ठीक है, जो चालू वर्ष का हमको क्या होगा इंडेक्स अचल आधार पे हमको इंडेक्स नंबर दे देगा, उसको डिवाइड करेंगे गत वर्ष लास्ट ईयर के इंडेक्स के साथ, उसको डिवाइड करेंगे और इंप्रूव करेंगे गुणा करेंगे 100 से। इसका सूत्र है आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा है पारंपरिक आधार के सूचकांक का अचल सूचकांक में परिवर्तन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणा चालू वर्ष के गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे 100। ये सूत्र है, सूत्र आपको याद करने का। ठीक है, इसी तरह से एक्सरसाइज 1.2 में हमको कुछ सम्स दिए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बुक नंबर बुक में हमारे पेज नंबर दी हुई है 18 पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 18 क्या दिया सम के अंदर इंफॉर्मेशन देखो। एक राज्य में 2008 से 14 तक कृषि उत्पादन हमको दिया है का पारंपरिक आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक जो पारंपरिक सेकंड नंबर पारंपरिक आधार के सूचकांक हमको दे दिया, इस पर से हम क्या करेंगे अचल प्राप्तांक ज्ञात करेंगे। तो पारंपरिक आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक निम्नानुसार है, उस पर से अचल आधार के सूचकांक की गणना करनी है। ठीक है, परंपर दे दिया है हमको अचल ज्ञात करना, क्या सूत्र होता है सर चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणा चालू वर्ष के गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बटे 100। इस तरह से हमको फाइंड करते हैं जो जो सम के अंदर इन्फॉर्मेशन दी है, क्या क्या दिया हमको वर्ष 2008 से लेकर 14 तक कृषि उत्पादन का सूचकांक कितना है 100 110 95 108 120 106 और 110 110। इस तरह से दिया है, हम सम लिख देंगे पहले ईयर 2008 से लेकर 2014 तक 2008 2009 2010 2011 2012 2013 और 2014। इस तरह से हमको ईयर दिया है। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या दिया है, कृषि उत्पादन का सूचकांक हमको कृषि उत्पादन का सूचकांक दे दिया है। तो कृषि उत्पादन का सूचकांक क्या क्या दिया आपको, क्या क्या मूल्य दिया है, 2008 में 100 और 110 100 110 फिर 95 108 इसके बाद 120 106 120 106 और लास्ट है 110 110। इसके बाद क्या करना है, पारंपरिक आधार पर हमको सम दिया है, अचल आधार पर हमको निकालना है। तो उसका क्या सूत्र होता है, अचल आधार द्वारा ज्ञात किया गया सूचकांक अचल आधार क्या बोलते हैं,
फिक्स्ड बेस इंडेक्स, फिर हम लोग उसकी वैल्यू सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। ये वाला सूत्र इसके अंदर लगेगा और वैल्यू निकालते जाएंगे। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 100 गुणा 100 बटे 100, उसका वैल्यू आ जाएगी 100, सेम टू सेम। उसी तरह से चालू वर्ष के परम वैल्यू क्या दिया है, 110 गुणा गत वर्ष का मूल्य, चालू वर्ष के गत वर्ष का मूल्य 100 गुणा 100 बटे 100, ठीक है। यहां पर फाइंड करेंगे तो बचते की जो वैल्यू होती है ना हमेशा सेम ही आती है, 100 आती है। तो इसको कॉल करेंगे 110 गुणा 100 डिवाइड बाय 100, तो आ जाएगा हमारा 110 सेम आएगा 110। फिर 95 गुणा 110 बटे 100, ठीक है। 95 गुणा 110, 95 कहां से है, 95 ये वाला मूल्य चालू वर्ष का मूल्य गुणा करेंगे इसका गत वर्ष का मूल्य जो इंडेक्स दिया है 110 बटे 100 आ जाएगा 104.5। उसी तरह से नेक्स्ट 2011 का 108 गुणा 95 बटे 100, फिर 120 गुणा 108 और डिवाइड कर देंगे 100 से। इसी तरह से 106 करंट ईयर की वैल्यू गुणा लास्ट ईयर की वैल्यू कितनी है, इंडेक्स नंबर 120 डिवाइड बाय 100। इसी तरह से लास्ट 2014 का मूल्य क्या दिया हमको, इंडेक्स नंबर 110 लास्ट ईयर का मूल्य कितना था, 106 डिवाइड बाय 100। इसी तरह से कैलकुलेशन करते जाएंगे हमारा इंडेक्स नंबर निकलता आएगा, कौन से आधार पर, फिक्स्ड बेस मेथड पर हमारा इंडेक्स निकलता आएगा जो इसकी वैल्यू है यहां पर आएगा 112.86। इसके बाद 2012 को मिल जाएगा 135.432, 135.43। 2013 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा कीमत आएगी 143.56। और लास्ट 2014 के इंडेक्स नंबर आ जाएगा 157.92। इस तरह से फिक्स्ड बेस हमारा इंडेक्स आ जाएगा। क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला को याद करना है और वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारा इजीली सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। यह था सम परंपरा आधार के सूत्र के आधार पर अचल सूत्र हम कौन निकाले, क्या सूत्र, फिक्स्ड बेस इंडेक्स हमने निकाला। कई बार सब में हम क्या होता है, अचल आधार के सूचकांक हमको दे देता है, उस पर से पारंपरिक आधार का हम लोग सूचकांक फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सब डिस्कस कर लेंगे कैसे पारंपरिक मुख्या दिया होगा, अचल आधार हमको दिया होगा, उस पर से पारंपरिक आधार का सूचकांक फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, तो आपको होमवर्क में क्या करना है, इसके बाद वाला सम क्वेश्चन नंबर 3-2 होमवर्क में क्वेश्चन नंबर तू आपको करना है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।